प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हिंदी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आज का वीडियो खास रहेगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुके हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, साथ में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलने वाले हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप लोग भी आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। ऑप्शन आपके सामने, धोखा देना, हाथ की सफाई करना, नजरों से ओझल हो जाना या गैर कानूनी कार्य करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धोखा देना यानी आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। मुहावरे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ऑप्शन से आसानी से हो जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑप्शन आपके देख सकते हैं, दर्द नीचे करना, खूब कस के कपड़े पहनना, दंडित करना या कमर कस के युद्ध पे निकल जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा दर्द नीचे कर लेना, यानी किसी कार्य को लेके दर्द नीचे कर लेना या कमर कसना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, घाट घाट का पानी पीना अर्थ बताना है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, या फिर बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना या रोजगार के नए अवसर तलाश करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जो है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही, समय अपने को ही हानि पहुँचाना, ठीक है, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना यानी खुद को ही नुकसान पहुँचाना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, गागर में सागर भरना अर्थ बताना है। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी गागर में सागर भरना यानी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है, सदा एक सा, बलपूर्वक करना, ऊटपटांग करना या फिर निर्दर होना। तो यानी ढाक के तीन पात यानी सदा एक समान रहना, ऑप्शन ए हो जाएगा, सदा एक जैसा रहना, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, ठीक है, बुरी तरह हार जाना इसके लिए मुहावरा कौन सा बनेगा। मुँह खून लगना, मुँह ताकना, मुँह की खाना या मुँह उतरना, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुँह की खाना यानी बुरी तरह से हार जाना। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवाना या बहाने बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहाने बनाना यानी अगर मगर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हिंदी की, आपको डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना और वीडियो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताना है। अक्ल का दुश्मन है मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन बी यानी महामूर्ख, ठीक है, यानी अकल का ही दुश्मन हो गया, यानी एक तरह से महामूर्ख है, बहुत ज्यादा मूर्ख है, ऑप्शन बी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या है। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या होगा, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चिकना होना, समृद्ध होना, निर्जल होना या भयभीत होना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, निर्जल होना, ठीक है। चिकना घड़ा होना यानी पूरी तरह से निर्जलित होना, एक तरह से बहुत ज़्यादा बेशर्म होना, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, अंगारों पे लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग आंसर कॉमेंट कीजिए, खतरनाक कार्य करना, दुख सहना, ईर्ष्या करना या फिर दूसरों को दुखी करना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दुख सहना, ठीक है, अंगारों पे लौटना यानी दुख सहना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, नाश कर देना के लिए मुहावरा होगा, आपको बताना है कि नाश कर देना यानी कौन से मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, पानी में आग लगना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कि पानी फेर देना यानी एक तरह से किसी कार्य को नाश कर देना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ बताना है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अंग अंग ढीला होना, यानी पूरी तरह से व्यक्ति थक गया है या बहुत ज़्यादा थकना, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, चादर के बाहर पैर पसारना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि औकात से ज़्यादा कोई कार्य करना, ठीक है, तो यहाँ पे चादर के बाहर पैर पसारना, इसका जो है अर्थ बताना है आपको, तो अपनी क्षमता से अधिक व्यय करना, नहीं अपनी औकात या हैसियत से ज़्यादा कोई कार्य बढ़ चढ़ कर करना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्षमता से अधिक व्यय करना, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ बताइए, ऑप्शन आपके सामने, गुणवत्ता, मूर्ख, अत्यधिक सरल या निर्जीव, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, काठ का उल्लू, उल्लू से आप समझ गए होंगे एकदम मूर्ख, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, काठ का उल्लू। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, पेट पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पे न होना, या अप्राकृतिक व्यवहार होना, या छोटी उम्र में बुद्धिमान हो जाना, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, कि छोटी उम्र में बुद्धिमान होना यानी पेट में डारी होना, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कान फूंकना यानी चुगली करना, चुगलखोर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी, एक व्यक्ति की दूसरी जगह से चुगली करना, ही आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, केर बेर का संग होना। ठीक है, केर बेर एक साथ होना या संग होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, यानी केर का बेर के संग होना, यानी विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ मिल गए, तो जो एक तरह से केर का बेर का एक साथ हो गया, यानी उनका संग हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सिद्धांत इन व्यक्ति या गोलमटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति यानी थाली का बैंगन, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइएगा। ठीक है, उचित सामंजस्य का अभाव या छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, या बेमेल या बेडंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल या बेडंगा होना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी थोड़ा सा मैच हो रहा है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उचित सामंजस्य का अभाव होना ये भी थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन एक तरह से बेमेल बेडंगा होना यानी ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, आड़े समय पे काम करना। ठीक है, आड़े समय पे काम करना यानी कठिन समय पे काम करना, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, मुसीबत पे सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना, तो आप समझ गए होंगे कि कठिन या मुसीबत समय में किसी की सहायता देना या सहायक होना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, आपको हिंदी की अच्छी तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी, आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, और पास में जो घंटी बनी है उसको भी दबा लेना, जैसे ही हम हिंदी का वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते, कोड़ी को न पूछना का अर्थ है। ठीक है, कोड़ी को न पूछने का अर्थ है मदद न करना, नियंत्रण न देना, निकम्मा समझना, या खतरे से बचना, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कि निकम्मा समझना, हम देख सकते हैं कोड़ी को कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे हो जाएगा, कि निकम्मा समझना। क्वेश्चन नंबर 23, ईमान बेचना। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना ईमान बेच देता है, तो हम इसको समझ ही गए होंगे कि वो अपने कर्तव्य से हट गया। ठीक है, अपने जो उनका कर्तव्य होता है, उसका जो कार्य होता है, ठीक है, वो अपने कार्य से पीछे हट गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, आंखों पे चर्बी छाना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताना है, धोखा खाना, या कुछ समझने आना, अभिमान करना, या निर्लज होना, तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिमान करना, यानी उसके, हम कह देते हैं साधारण भाषा में, कि उसकी चर्बी चढ़ी हुई है, यानी उसको घमंड है, उसको अभिमान है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, या आदर सत्कार करना, तो आंखें बिछा दी। ठीक है, आंखें बिछाना यानी एक तरह से प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताना है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर पता है तो। अपनी बात से समय को नुकसान पहुंचाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, निश्चित काल के विपरीत कार्य करना या बिना सोचे कार्य करना, इसका आपको आंसर ज़रूर कमेंट करना है। और बात करते हैं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ज़रूर कमेंट करके बताना, ईमानदारी से बताना, और इसका भी आप लोग आंसर ज़रूर देना। अगर वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हिंदी की अच्छे से तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी राय देनी हो आप लोग कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सभी दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक यू।